बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सतरंगी फूड्स चैनल। और मैं अस्मीना तारिक, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं ईद के हिसाब से आपके साथ एक चीज़ शेयर करने लगी हूँ। आप गैस कर सकते होंगे चीज़ें देख के, जो नेल्स पर हम लोग मेहंदी लगाते हैं जिसको अरक बोला जाता है, बहुत अच्छा कलर लाता है, तो वो मैं बनाती हूँ, आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने गुड़ का एक जो बड़ा पीस होता है वो मैंने ले लिया, ये मेरे हाथ पे देख रहे होंगे, ये मैंने लगाया था, देखिए अब तक नीचे चला गया लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ मैं। और ये मैंने थोड़ा गूंदा हुआ आटा ले लिया, और इसके साथ मैं पत्ती लेने लगी हूँ। पत्ती आप ले सकते हैं, कोई भी लेनी है। और ये मैं ले रही हूँ, लिप्टन की ले रही हूँ, ये देखिए इसको मैं काट के, और ये देखें ये मैंने पत्ती ले ली है। और इसके साथ ही मैंने गंदा मंदा सा एक डिब्बा लिया है, ये देखें, मैं इसके अंदर पहले भी बनाती हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत फ्रेश और बड़ा प्यारा मिले, मुझे भी इसी हालत में मिला था तो मैं इसके अंदर ही बनाती नहीं हूँ। तो देखिए इसके अंदर क्या करना है, ये देखें बिल्कुल अंदर से खाली है, ये देख रहे हैं, मैंने एक कप ले लिया है छोटा सा, और इसको मैं बिल्कुल डिब्बे के सेंटर में रख दिया मैंने। और जी ये दोनों मैं मिक्स कर रही हूँ, पत्ती और ये गुड़ जो है, इन दोनों को मैं मिक्स कर लेती हूँ ऐसे मिक्स करके। तो मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी, ठहरे में पहले कप को निकाल लेती हूँ, उधर आसानी के साथ डाला जाएगा, बिल्कुल साइड्स पर डालना है, सेंटर में नहीं डालना। ये देखें बिल्कुल साइड साइड पर है, और ये मैं कप रखने लगी हूँ बिल्कुल इसके सेंटर में। और अब मैं इसको रखने लगी हूँ चूल्हे पर ऐसे, और जी इसके साथ ही ये देखें मैंने एक डेगची में पानी भर लिया है, ये बहुत ज़्यादा डेगची में पानी भर लेना। और इसको फिर जी ये जो आटा है हमारे पास, इसको बिल्कुल ये जो कोने, ये जगह जो स्पेस है इसके ऊपर लगा देना, ताकि इधर से बिल्कुल भी इसकी जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकल सके। तो ऐसे पानी लगा लगा के इसको बहुत अच्छा सा पक्का कर देना। अब मैं देखें मैंने डेगची को चारों तरफ से आटे के साथ मैंने कवर कर लिया चारों तरफ से, ताकि इसके कहीं से भी इसकी स्टीम ना निकले, अगर निकलेगी तो हम साथ थोड़ा थोड़ा रिकवर करते रहेंगे। और मैं फ्लेम ऑन कर दिया, और मैंने अभी फुल कर दिया है ताकि एक दफ़ा इसके अंदर स्टीम बन सके, और जब मुझे लगेगा कि इसके अंदर स्टीम बन गई है, वो क्या निशानी होगी, वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगी, तो फिर मैं ऐसे मीडियम टू स्लो कर दूँगी फ्लेम को। अब मैंने इसका फ्लेम किया, ये देखें ये जो भाप निकल रही है ये इसकी निशानी होगी कि ये अरक बनना शुरू हो गया है, ठीक है। अब मैंने फ्लेम कम कर दिया है, और मैं इसको कवर कर लूँगी आटे को, और इसको तकरीबन स्लो फ्लेम पे आधा घंटा ऐसे स्लो मीडियम पे रख देना, अंदर कुछ देर के लिए इसको हाई भी करना है जब आपको लगे कि ये जल रहा है, क्योंकि इसको मुकम्मल जलना है गुड़ को भी और पत्ती को भी, इसलिए हमें आधा पौना घंटा स्लो फ्लेम पे इस तरह रखेंगे, तकरीबन आधा घंटा तो ज़रूर रखेंगे, बिल्कुल बंद खोलेंगे नहीं। अब देखें मैंने बिल्कुल कम कर दिया ताकि ये पकता रहे, जलता रहे, और इसके अंदर स्टीम बन के हमारा जो मेहंदी अरक है वो रेडी होता रहे। चलें जी व्यूअर्स, ये देखें इसको एक घंटा मैंने रखा है, और इसको मैंने पहले आपको बताया था कि इसका फ्लेम जो है मैंने फुल कर दिया था, फिर जैसे ही इधर इधर से ये जो स्टीम्स निकलती थी इसको मैं इधर से पानी में हाथ लगा के ऐसे ऐसे करके इसको मैंने बिल्कुल पक्का कर दिया था जहाँ से निकलती थी। और फिर मैंने इसको स्लो फ्लेम पे एक घंटा रखा, उसके बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है, इस बंद किए हुए चूल्हे को भी तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं, और अभी तक मैंने इसको नहीं खोला,
वो मैं आपके सामने ही खोलूँगी। ये देखिए आटा थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लूँगी ताकि ये देखची है वो आराम से उठाई जाए और पता चले अंदर कुछ बना भी है या वैसे ही। बहुत पक्की जुड़ गई है, ये देखिए मैंने इसको उतार दिया। वो देखें जी माशाल्लाह से वो नज़र आ रहा है आपको हिलता हुआ, ये तैयार हो गया अरक। अब मैं इसको अंदर से निकाल लेती हूँ। ये देखें डिब्बे का अंदर से बहुत ही बुरा हाल है और ये अंदर से बड़े आराम से निकलता है, ये जो सूख जाता है और डिब्बा फिर रेडी हो जाता है हमारे दूसरी दफ़ा इस्तेमाल के लिए। ये देखें ये पत्ती है और गुड़ दोनों चीज़ें, मैं इसको साफ़ करके फिर रख लूँगी। और जी ये बना है जो मेहंदी अर्क जिसे कहते हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। अब इसको मैं इस तरह करके बंद कर दूँगी, ये एयर टाइट हो जाता है इससे और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इसको निकाल लूँगी। और ये देखें ये साथ मैंने ये इसको लगाना कैसे है, ये मैंने थोड़ा सा मैदा लिया ये वाला, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये यूज़ करूँगी कि ये पेस्ट सी बन जाए। ये देखें ये पेस्ट बन गया और इसको अब हम किसी कॉटन बर्ड से या किसी भी चीज़ की मदद से हम इस तरह नेल्स पर हम लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छा कलर आता है, खुसूसन नेल के ऊपर तो बहुत ही अच्छा आता है। ये देखें इस तरह मैं देख सकते हैं आप, और ये देखिए मेरी बेटी ने लगाया है, ये देख सकते हैं आप, ये भी बहुत अच्छा कलर लाता है लेकिन ये नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, खुसूसन नेल के लिए। और आप इसको बनाएं, ईद आ रही है तो आप लोग भी बनाइए इसको और लगाएं और फिर मुझे बताएं कि आपका कैसा बना। और इसको ये जो मैंने निकाल के रखा है इसको हम बहुत अरसे तक तकरीबन महीना, जब तक ये देखें बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा तो ये हमारे इस्तेमाल में आता रहेगा, बेशक दो महीने रख लें। और ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं, तो काइंडली ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जो लोग नए हैं ये उनके लिए है। और मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ओके अल्लाह।